पेपर में आया हुआ सवाल, बेंजीन रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्मोनियम क्लोराइड टू फॉर्म अल्काइलेटेड बेंजीन, दिस रिएक्शन इज नोन एज कैनिसारो रिएक्शन, गोल्ब रिएक्शन, एल्डोल कंसंट्रेशन, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो एक बात याद रखो कि जो बेंजीन का रिएक्शन होता है, ठीक है, जब भी इन प्रेजेंस ऑफ अल्मोनियम क्लोराइड, ये होता है फ्रेडल क्राफ्ट। अब यह अलहदा बात है, इसमें अल्काइलेशन भी हो सकता है, एसाइलेशन भी हो सकता है। अल्काइल हैलाइड के साथ हो रहा है तो अल्काइलेशन है, एसिड हैलाइड के साथ होगा तो एसाइलेशन होगा। बस एक कंडीशन का फ़र्क होता है, अल्काइलेशन में रूम टेम्परेचर यूज़ होता है, एसाइलेशन में 80 डिग्री सेंटीग्रेड यूज़ होता है। अब बेंजीन में जो रिएक्शन होता है ये कहलाता है इलेक्ट्रोफिलिक। अब एक बड़े काम की बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चार रिएक्शन होते हैं, एडिशन, एलिमिनेशन, और तीसरे में एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी पॉजिटिव का अपने ज़्यादा पॉजिटिव। तो बेंजीन में जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, एक तरकीब मेरी याद रखना कि हमेशा ही एच पॉजिटिव रिप्लेस होगा अपने से ज़्यादा पॉजिटिव से, और ये बाकी ग्रुप C6H5 ये बेंजाइल ये हमेशा नेगेटिव पार्ट होगा। और ये नेगेटिव पार्ट जो है हमारा ये अलग होगा, ठीक है, और इस नेगेटिव पार्ट के साथ हमें एक पॉजिटिव मिल जाएगा। अब रिएक्शन किससे होना है, R पॉजिटिव X नेगेटिव, अल्काइल हैलाइड में ऑफकोर्स पॉजिटिव पार्ट अल्काइल होता है, तो पॉजिटिव पार्ट हमेशा C6H5 से मिलेगा, ठीक है। और C6H5 अगर नॉर्मल खाली क्या है, CH3 है, तो ऑफकोर्स मिथाइल आ जाएगा यहाँ, और C6H5CH3 क्या कहलाता है, टॉलीन कहलाता है, ठीक है जी।